हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी सोडा। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आइए जानते हैं आज का नया अपडेट क्या है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी की लोग मिसाल देते हैं। दोनों ने अपने रिश्तों में लंबा फासला तय किया है। इसके बीच दोनों बहुत से उतार चढ़ावों से भी गुजरे हैं। रेखा संग बिग बी के अफेयर की खबरें के बाद उनके रिश्ते पर आंच नहीं आई थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जया बिग बी से पहले एक स्टार को देखकर उनकी फैन हो गई थी। रेखा और अमिताभ बच्चन का अफेयर तो जग जाहिर है, लेकिन जया बच्चन शादी से पहले एक हीरो की डाई हार्ड फैन थी, ये कोई नहीं जानता। अमिताभ बच्चन जया के पहले प्यार नहीं थे, ये तब की बात है जब जया ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। जया को जब इस सेक्टर पर क्रश था तब वह इंडस्ट्री में नहीं थी। वह इस एक्टर को ग्रीक गॉड का दर्जा भी दे चुकी है। वो जाने माने एक्टर कोई नहीं, जट यमला पगला दीवाना धर्मेंद्र है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता को देखते ही जया उनकी खूबसूरती की दीवानी हो गई थी। जया बच्चन ने फिल्म गुड्डी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उस वक्त वो बॉलीवुड की सीढ़ियां चढ़ रही थी, जबकि धर्मेंद्र उस वक्त अपनी जगह बना चुके थे। उन्हें धर्मेंद्र पर क्रश रहा है। काफी विद करण के एक शो में उन्होंने खुद खुलासा किया था कि उन्हें धर्मेंद्र काफी पसंद थे। उन्होंने कहा था, आई लव धर्मेंद्र। जया ने ही खुद इस बात का भी जिक्र किया था कि जब पहली बार वह धर्मेंद्र जी से मिली थी तो वह उन्हें फेस करने से इतना घबरा रही थी कि वो एक सोफे के पीछे छिप गई थी, जहां से उन्होंने धर्मेंद्र की झलक देखी थी। जया बच्चन ने अपने करियर संजीव कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और जितेंद्र समेत हर स्टार के साथ काम किया है। साल 1972 में उन्होंने जितेंद्र संग फिल्म परिचय में काम किया था। जितेंद्र संग भी उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था। ऐसे ही नए अपडेट्स जानने के लिए फिल्मी सोडा के साथ जुड़े रहिए और आगे के नए अपडेट्स जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।